राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल देसी रसोई में। आज हमने बनाई है मलाई से मक्खन, जो कि गर्मी के मौसम में मलाई से मक्खन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने 8 से 10 दिन की मलाई है, इसको फ्रिज से निकाल लिया है और 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो आज हम एक ऐसा तरीका लेके आए हैं जिसे हमने तो मेहनत करनी पड़ेगी और नहीं ज़्यादा बर्तन भरेंगे। इसके लिए हम कुकर लेंगे और कुकर में सारी मलाई डाल देंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है मलाई से मक्खन बनाने का। अब इसमें 2 गिलास ठंडा पानी डाल देंगे। अब पानी को मलाई में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब कुकर को ढक्कन लगा लेंगे। और अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ कोई कपड़ा चाहिए या फिर इस तरह का कोई मैट ले ले, उसके ऊपर कुकर रखें और फिर इसको इस प्रकार से रगड़ेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से, ज़्यादा तेज़ भी नहीं और ज़्यादा धीरे भी नहीं, नॉर्मली से ऐसा हम 5 मिनट के लिए करेंगे। ये देखिए, हिलाने से कुकर में गैस बन गई है और इसको दबाकर हम निकाल लेंगे ढक्कन को। अब ये देखो, अभी तक मक्खन आया नहीं है। अब इसमें 1 गिलास ठंडा पानी और डालेंगे और ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए और ऐसे ही हिलाएंगे। मक्खन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दो मिनट बाद ढक्कन हटा के देखेंगे। वाह, ये देखो कितना सारा मक्खन बनके तैयार है, बिना मशीन के और बिना ज़्यादा बर्तन भरे। ये देखो कितना बढ़िया मक्खन बनके तैयार हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया मक्खन बनके तैयार हुआ और कितना जल्दी निकल गया। हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और न पतला हुआ, नहीं तो गर्मी के टाइम में बिल्कुल पतला हो जाता है मक्खन। इसी प्रकार से हम सारा मक्खन निकाल लेंगे। अब ये जो पानी बचा है इसका हम पनीर बना लेंगे या फिर आटा गूंथ लेंगे। अब मक्खन में पानी डालकर धो लेंगे। ऐसा हम 3-4 बार करेंगे जिससे हमारा मक्खन बहुत बढ़िया बनके तैयार हो जाएगा, इसमें कोई भी महक नहीं आएगी। और फिर इसे फ्रिज में रख देंगे, 8 से 10 दिन तक आराम से खाएंगे। जब भी मक्खन खाने का मन हो खा लें या फिर कहीं भी यूज करें तो बिल्कुल ताज़ा मक्खन मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा। तो इस प्रकार से मक्खन बनाए और बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना बढ़िया मक्खन बनके तैयार हुआ है। अगर हमारा मक्खन बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।